हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका फोरेक्स फॉर अनबॉक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं शाओमी के 11 सीरीज़ के स्मार्टफोन की। उससे पहले आपको बता दूँ, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो बढ़ते हैं हम वीडियो के फ़ोन की तरफ। तो इस स्मार्टफोन की लीक्स आना शुरू हो गई है। जो मी 11 लाइट 4G है उसका ही अपग्रेड वेरियंट है। तो ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है सेप्टेम्बर के एंडिंग में। तो पहले इसके लुक डिज़ाइन की बात करें तो बिल्कुल सिमिलर होने वाला है जैसे कि मी 11 लाइट 4G था। अगर इसके कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो सेम ही मी 11 लाइट जैसा ही होने वाला है। इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है कि ये जैसे कि मी 11 लाइट ऐसा ही लाइट वेट होगा। तो बात करते हैं हम इसके फ्रंट साइड की स्क्रीन की। तो 6.5 इंच के साथ फुल HD सुपर एमोलेड पैनल होने वाला है, जो इसके साथ में आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। और डिस्प्ले क्वालिटी में फ़ोन बहुत अच्छा रहेगा। तो कैमरा की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलने वाला है जैसे पहले आपको बताया। तो फर्स्ट कैमरा 64 MP का प्राइमरी कैमरा, 8 MP का सेकेंडरी कैमरा और 5 MP का थर्ड माइक्रो सेंसर होगा। और फ्रंट साइड की बात करें जिसके अंदर आपको 20 MP का सेल्फी कैमरा देखने मिल जाता है, जो ब्लॉगर उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी इसके बैटरी चार्जर की बात करें तो इसके अंदर जैसे मी 11 लाइट के अंदर जो है 4250 mAh का बैटरी और 33W का फास्ट चार्जर वैसे ही देखने मिल जाएगा। तो फाइनल इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर आपको क्वालकॉम का प्रोसेसर देखने मिलेगा, जो होगा 7780G प्रोसेसर होगा, जो गेमिंग परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा होगा ये प्रोसेसर। तो इस स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के साथ आने वाला है और ड्यूअल स्पीकर देखने मिल जाएगा। और फाइनल इसके अंदर इसके कस्टम UI की बात करें तो MIUI 12.5 के साथ आने वाला है। तो और कुछ रैम स्टोरेज की बात करें इसके अंदर को 6GB और 128GB बेस वेरिएंट देखने मिल जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।